in this problem you have to find the acceleration of block A and acceleration of block B when system is released from rest. तो देखिए अब तक सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम लोग करते आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ करने की नहीं, दो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो कंट्रोल रिलेशन से चाहे ऐसे भी दोनों के एक्सीलरेशन में रिलेशन स्टेब्लिश करना होगा, और दूसरा टेंशन। तो मान लेते हैं कि सपोज टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज टी, सो ये वही स्ट्रिंग है, तो हियर ऑल्सो दिस टेंशन इज टी एंड हियर इन दिस साइड ऑल्सो दिस टेंशन इज टी, तो अपर स्ट्रिंग में टेंशन टी हो जाएगा और ऑब्वियसली टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू टू टी, राइट। तो अभी हो गया, नाउ व्हाट फॉर एक्सीलरेशन, अगर मान लेते हैं, देखिए अगर कॉन्स्टेंट रिलेशन से हम एक्सीलरेशन में रिलेशन स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो देखिए इसके लिए क्या है, ये मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक इज ए डाउनवर्ड, राइट, इसका एक्सीलरेशन हम डाउनवर्ड मान लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा ए बी मान लेते हैं एंड इट इज अपवर्ड, जब ये नीचे आएगी तो अल्टीमेटली इसको ऊपर जाना होगा, तो इसका एक्सीलरेशन ए बी मान लेते हैं, इसका एक्सीलरेशन ए मान लेते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन और एक्सीलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सो वी हैव विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट रिलेशन वी हैव दिस टू टी इंटू ए बी, टू टी इंटू ए बी, और ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक्सीलरेशन नीचे है टेंशन ऊपर है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस टी इंटू ए ए विल बी इक्वल टू जीरो, ये रिलेशन आ गया हमारा, टी टी कैंसिल हो गया, सो वी हैव ए ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, राइट, ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, अब लेट ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू ए मान लेते हैं हम, देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू टू ए, राइट, नाउ ए दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ए एंड दिस ए बी इज इक्वल टू ए माना है हमने, तो सपोज दिस इज ए, अब सबका फ्री बॉडी डायग्राम ये करना है, बहुत ही क्लियर है, नाउ दिस विल बी, ये ब्लॉक बी है, इसका जो वेट काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में केवल जी होगा, ये 1g, और इसका जो वेट काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिस विल बी 2g, राइट। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम लिख करके दोनों को सोल्व कर लेते हैं हम लोग, नाउ पहले ब्लॉक बी का तो क्या हो जाएगा, देखिए ब्लॉक बी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, देयरफॉर दिस 2t मस्ट बी ग्रेटर देन जी, तो 2t माइनस जी विल बी इक्वल टू, वी हैव 2t माइनस जी विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास 1 है, तो दिस इज सिंपली ए, इक्वेशन नंबर 1, एंड व्हाट फॉर दिस ब्लॉक 2 kg ब्लॉक, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो 2g माइनस टी विल बी इक्वल टू, 2g माइनस टी विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो 2 इनटू 2a दिस विल बी 4a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, टेंशन इलिमिनेट करना है हमको, एक्सीलरेशन का वैल्यू चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2t और ये t कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या हुआ, देखिए दिस इज 2 इनटू 2 4g माइनस g, तो कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड में, कितना हो जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2g 4g और ये माइनस g, सो वी हैव 3g विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4 × 2 = 8 और ये हो गया हमारा 9, तो दिस विल बी इक्वल टू 9a, दिस विल गिव, देखिए a इज इक्वल टू 3g बाई 9 दैट इज g बाई 3, और ऑफकोर्स दिस इज ये जी बाई 3 ए किसको माने हम लोग, ए बी इज इक्वल टू, तो दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, एंड सिमिलरली वी हैव ए ए एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू हाउ मच 2a एंड दिस इज इक्वल टू 2g/3, राइट, सो दिस विल बी द आंसर, g/3 एंड 2g/3 विल बी द आंसर।